दो मिनट आप आ जाते हैं। हाँ भाई सूर्य चलो आप आ जगह से अड़चन। अरे ऊपर जा बच्चा ऊपर जाके बैठे जा ऊपर जा रहा है बेटी रब की रहमत होती है, रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। दुनियावी बात है, जब बेटा पैदा होता है तो दुनिया वाले कहते हैं बाप की विरासत का वारिस पैदा होते हैं, और जब बेटी पैदा होती है तो लोगों के मुंह पर बारह बन जाती है। आगे चलकर क्या होता है, बेटा विरासत नहीं लेता है, सारा माल समेट लेता है। जब कुदरत की बारी आती है तो बेटी आ जाती है, जब किस्मत की बारी आती है तो बेटी आ जाती है। जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेटे जब मूसा अलैहि सलाम को परवरदिगार से मुलाकात होती है तो मूसा अलैहि सलाम परवरदिगार से अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार अगर तू खुश होता है तो क्या करता है। तो परवरदिगार ने कहा, ऐ मूसा अगर मैं खुश होता हूँ तो मैं बेटी रहता। फिर दूसरी बात, मूसा अलैहि सलाम का बाप होना बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को जन्नती बना देते हैं। इस्लाम ने बेटियों को इज्जत वाला मकाम दिया, इस्लाम ने बेटियों को रहमत वाला मकाम दिया, इस्लाम ने बेटियों को रहमत वाला मकाम दिया। मुसलमान सबसे ज़्यादा ताज़ीम काबिल करता है। बेटियों का मकाम काबिल से ज़्यादा वो क्या सिखा रहे हैं हमको, जरा देखो नहीं मॉडर्न जमाना नहीं सिखा रहे, कुछ सिखा नहीं रहे, हमारी जिंदगी को तबाही कर देता है। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका तलाउल बदरू अलैना। अल्लाह हमारे नसीबों को चमका दे, मौलाना करीम हमारे दिल में इश्क रसूल पैदा फरमा दे, मेरे दिल करीम हम सबको घुमा दे, कचरा का नज़ारा करा दे, ऐ मौलाना करीम सारे मुसलमानों को नमाजी बना दे, या अल्लाह दीन पर चलने वालियाँ बना दे, या अल्लाह हमारी बच्चियों को नेक या अल्लाह दीनदार बना दे, या अल्लाह इन बच्चियों को नमाजी बना दे, या अल्लाह इनके दिलों में अक्सर रसूल की मोहब्बत पैदा कर दे, या अल्लाह वालदैन के नाफरमानी अल्लाह उनको फरमा बरदार बना दे, अरे मौलाए करीम जो छोटी बड़ी बीमारियों में मुबतला है अल्लाह उनको मजबूत फरमा दे, या अल्लाह हम सबको छोटी बड़ी बीमारियों। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग देख रहे हैं मुंबई सिटी व्लॉग, और आज है हल्दी और मिलाद शरीफ। तो आप लोग को मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और यहां पर मिलाद शरीफ ख़त्म हो चुका है,
तो ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं जो लखनऊ से आई हैं, और ये हैं आलिम। तो मैंने सोचा कि चलिए कि आप लोगों को मैं मिलाद शरीफ इनका सुनवा देती हूँ। तो इस तरह से मिलाद शरीफ बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और जो इनके बाजू में बैठी थी तो ये इनकी पोती थी, छोटी बच्ची जो थी वो भी काफ़ी अच्छा मिलाद शरीफ पढ़ती है। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारी घर में हल्दी है, तो सबसे पहले हम अल्लाह का कलाम करते हैं, उसके बाद कुछ और। तो यहाँ पर ये मेरी भांजी देख सकते हैं, तो ये मेरी भांजी है और ये आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन इसकी आवाज़ को मैंने बंद कर दिया था और बहुत आवाज़ आ रही थी, तो इसकी आवाज़ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैंने नहीं सुनवाया। और आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से आप मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करें। और यहाँ पर ये दूल्हे को किसी ने गिफ्ट भेजा है, यानी कि दुल्हन के भाभी के जो घर वाले होते हैं उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है दूल्हे को, कपड़े। और मेरी बड़ी सिस्टर को भी कपड़े आए हैं, उनके हस्बैंड के भी कपड़े आए हैं, क्योंकि दूल्हे के माँ बाप नहीं हैं, तो हम सब सिस्टर ने मिलकर ये शादी करवाई है। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो बैठी हैं, और जो मिलाद शरीफ पढ़ रही थी ये जो हैं उनसे छोटी हैं और वो बड़ी हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ घर में। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा सामान भाभी के घर से आया है दूल्हे के लिए। तो यहाँ पर मेरी भांजी कह रही है कि ये याददाश्त के लिए सामान मैं दिखा रही हूँ, और आप लोगों को ही ये कह रही थी, तो मैंने इसकी आवाज़ को बंद कर दिया है। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये मेरी भांजी की भांजी है छोटी, जो ग्रीन ब्लू ड्रेस में है, और ये पीला ड्रेस लखनऊ से आई है, और वाइट दुपट्टा, ये भी मेरी भांजी है, और ये जो पीला ड्रेस है मेरी सिस्टर है, इनकी बेटी है वाइट ड्रेस में जो बैठी हैं। और यहाँ पर ये जो पीला ड्रेस दिख रहा है ये मेरी बहन है, लखनऊ से आई हैं। तो ये जो बड़े बाल हैं, लंबे बाल हैं, जो पीला ड्रेस लड़की पहनी है, ये खुले बाल वाली इनकी बेटी है, ये भी लखनऊ से आई हैं। तो सारे परिवार से आज मिल लीजिए, अभी और भी लोग आना बाकी हैं, तो जितने लोग आए हैं उनको सबको शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप कि सभी लोग घर में बड़े खुश हैं, और शादी वगैरह होती है तो सभी के घर में खुशियाँ होती हैं, तो होना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए दिखाया, क्योंकि अल्लाह का कलाम बहुत ज़रूरी रहता है। कोई भी काम किया जाए तो सबसे पहले शुरुआत अल्लाह के कलाम से करना चाहिए, उसके बाद कुछ करना चाहिए। तो सारे लोग आए हैं और बहुत खुश हैं, बस दुख इस बात का है कि आज मेरी सिस्टर नहीं है जिनके बेटे की शादी है, और उनके बाप भी नहीं हैं, यानी कि दोनों का इंतकाल हो चुका है, तो बस खाला माँ बनकर खड़ी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, ये शादी हो गई, और अगर मेरी सिस्टर होती शादी देखती तो ज़्यादा खुश होती, तो अलग ही बात होती। लेकिन माँ बाप का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर माँ बाप ना हो तो शादी एकदम अधूरी लगती है। घर में सभी लोग हैं लेकिन उनकी कमी सभी लोगों को महसूस हुई है। और आज हमारे दूल्हे राजा से मिल लीजिए, ये हैं दूल्हे राजा। जो मेरी सिस्टर थी उनके दो ही बेटे थे, बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और ये छोटा बेटा है, तो बड़ा दुख हो रहा था हम लोगों को। और मैं ये वीडियो यहीं से एंड करती हूँ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।